बदबू आ रही इससे। आज आप लोग देख रहे हैं कि सारे खजाने आज का ब्लॉग होने वाला है कि ये जो आज ही के दिन आ गया है सारे के सारा इसका हम ओपनिंग सेरेमनी करने वाले हैं। वैसे तो बारी बारी से आ रहा था लेकिन ये एक ही साथ इतना सारा आ गया तो सोचा एक ही बार इसका ओपनिंग सेरेमनी कर दिया जाए। सो लेट्स ओपन इट। इट्स अ हॉल वीडियो। इट्स अ हॉल वीडियो और एक दो दिन पहले जो है वो भी आपको दिखाऊंगी। दिखाते हैं, चलो खोला जाए इसको। डिंग डिंग डिंग, बारी बारी से खोलूंगी मैं। ये है सबसे महंगा, तो सबसे लास्ट में खुलेगा। देख के ही लग रहा है। नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला शायद सबसे कॉस्टली, सबसे कॉस्टली वाला जो मुझे सबसे बकवास लग रहे हैं देखने में ऊपर से कवर से वो मैं खोलूंगी। जो ये जिसे मैंने नहीं किया, जिसे किया पेंसिल नहीं, तो ये मैं खोलूंगी। चलो इसको खोला जाए। कैची पेंसिल वहां से लाना पड़ेगा। सब कुछ मांगना भी पेंसिल से, सबसे बकवास भी ऑर्डर करती है पेंसिल ही। वैसे सबसे अच्छा भी मैंने ही ऑर्डर किया है। जिसका रंग देख करके ही मूड ऑफ हो जाए वो है ये ड्रेस। कपड़े भी इसके कॉटन नहीं है, कुर्ता किया देखिए। थोड़ा इसके वर्क थोड़ा अच्छा लग रहा है। मम्मा ये तो, ये देखिए मम्मा आपको ये कैसा लग रहा है ये देखो तो। इसका कपड़ा बस मतलब ये काम बस थोड़ा धागा वाला ठीक लग रहा है। बाकी तो मुझे वही चाहिए था, एम्ब्रॉयडरी चाहिए मुझे। बहुत मुश्किल से हमको एम्ब्रॉयडरी का कुछ मिला है। बाकी इसका कपड़ा तो बिल्कुल खराब है, बकवास बकवास। इसे धागा ये उड़ा खबरा और नहीं होता है कपड़ा वैसा है तो मुझे तो अच्छा लगा। सुंदर देखने में तुमको ये लाइट कलर लगा इसलिए सब ऑर्डर है। और ये थोड़ा सा मम्मा आपको कैसा लग रहा है? बकवास चीज, फेल। मम्मी को भी नहीं पसंद। देखना मैं जो मंगवाई हूँ ना वो अच्छा लगेगा। और ये सब सही आएगा कौन? पेंसिल सही आएगी। मोस्ट अवेटेड चीज दिखाऊं जिसका इंतजार हो रहा था बरसों से। मतलब सबने, मासी ने भी, ये रूपा मासी ने भी अपने कार्ट में विशलिस्ट में करके रखा था कि मैं भी मंगवाऊंगी। प्रिंसी ने भी देखा इसको, मम्मी ने, मैं तो पहले से ही देख रही थी लेकिन मैंने मंगवाया नहीं था तो ये फिर ऑर्डर कर दिया मैंने। क्योंकि ये एक ही साइज बचा हुआ था, साइज सारा खत्म हो गया था तो मैंने देखा कि इसमें है तो ऑर्डर कर दिया। येलो वाले लहंगे के ऊपर पहनने के लिए, ये तो पेपर का आता है इसको कैंची का जरूरत ही नहीं, तो ऐसे ही मुड़ जाएगा मतलब। अच्छा बेड के लिए तुम सफाई कर लेना। वो सॉरी उधर चला गया। यस कवर, थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस। ये देखो इसी पे इसने सारा प्रिंट कर दिया। और ये छोटू सा है, मैं यहाँ फोटो मेंशन कर दूंगी यहाँ साइड में कैसा है डिजाइन। 299 प्लीज बी लाइक दैट, उतने पैसे का होना भी चाहिए। और ये जो आपको आवाज सुनाई दे रही है किसी और चीज की नहीं है, ठीक है आगे से खुली हुई। और ये कौड़ियां लगी हुई है इसमें देखो, इसी की वजह से सबको पसंद आ रहा था। अच्छे घुमानी है और इसके बाजू भी अच्छे हैं। ठीक है अब ये खोला जाए। ये क्या? ओ हाँ हाँ हाँ, भूल गया था। ये मम्मा के लिए ऑर्डर किया है कुर्ती। मम्मी कपड़ा धोने चली गई, उनका काम था। तो ये कुर्ती दिखाऊं? चलो दिखाती हूँ आपको। ये काली कलर, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये दुपट्टा लगता है, ये दुपट्टा और ये रहा उसके पजामा ये, और ये एक फ्रॉक है, फ्रॉक सूट। ये तीनों मम्मी को सेट बड़े पसंद आते हैं इसीलिए सेट वाले ही लिए हैं। बॉक इसका फ्रॉक देखो, राजस्थानी स्टाइल कॉटन है ये प्योर। और मुझे ना इस तरह के जो वर्क है ना वो बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। ये मेरे लहंगे में भी ऐसा ही है, राजस्थान वाले में ऐसा डिजाइन होता ही है। तो मैडम ये क्यों नहीं पसंद आ रहा है? इसमें भी तो है देखो। हाँ तो वो साइड में बस थोड़े से है ना। और ये कितना क्यूट है, कलर भी इसका एकदम पिंक है और ये बहुत अच्छा है। रेड है भाई, दबे
रेड नहीं पिंक है, रेडिश पिंकिश जो भी। आपको कैसा लगा? और इसमें ये देखो लटकन वटकन नील लगाया हुआ है, ये बड़ा अच्छा है। मुझे राजस्थानी स्टाइल पता नहीं क्यों बहुत पसंद आने लगा है। तो मैं जो हील वाले नहीं होते हैं, ऊंचे वाले ऊंची हील पे है नहीं। डांस बसंती, डांस बसंती, हर से बसंता। देखो सफेदी की झंकार, इसमें से खुशबू आ रही है पेट्रोल की। उत्तरी के इस पर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है बाबा, लिखा हुआ है कुछ तो लिखा हुआ है। ये देखो सी लव्स सी एस ब्यूटी फुल्स ब्यूटीफुल, क्या है ये ब्यूटीफुल है वो, ऐसे लिखता बीच में स्पेस खोज के छोड़ा बे, यहाँ आई होता तो वो हो सकता। और ये इतने ऊंचे हिलना वाले हैं, सी इज ब्यूटीफुल हो सकता है ये, सी इज ब्यूटीफुल, बट ऐसे लिखा है कि पत्ते न चले। ये देखो हल्का सा यहाँ पे रेनबो वाले आ रहे हैं, साइड में भी है बेबी। हाँ तो यही तो मुझे ये अच्छे लगे थोड़े। बदबू आ रहे इससे, जल्दी बदबू आ रहे, जल्दी से इसको बंद करो। पेट्रोल वाले लगता है, डीजल पेट्रोल का चिका पितलोल, बहुत इज पितलोल पितलोल। अरे ये था कैसे रे, बहुत महंगा है भाई। मैं लेने के बाद ना पछता रही कि मैंने इतना महंगा क्यों खरीदा। मैं मम्मी को बार बार बोल रही थी मम्मी रिटर्न कर दू, मम्मी रिटर्न कर दू, इसलिए मम्मी को बुला कर लाती हूँ कि उनको कैसा लगता है। मम्मा चल हो गया, ये देखो ये कितने का था, ये ना 8,199 का था। हाँ क्या अभी भी है वो, जिंदा है वो कपड़ा, जिंदा है बेचारा। लेकिन ये ऑफर में भी दे रहा था तो उसमें भी दे रहा था, ये मुझे 2,787 रुपीज पड़ा ये। क्योंकि बहुत मम्मी आपको सस्ते है ना, मम्मी ज्यादा कंजूस, तो मम्मी की बेटी है लेकिन बहुत खर्चे करती फिर भी। व्हाइट कलर का धागा से वर्क किया हुआ, ये देखो आप, और वो भी ग्रीन कलर का बोलो ना, इस पे टैग भी इतना ही का लगा, मार्केट में लेगा कितना में मिलेगा। ओ माय गॉड ये क्या है, ओवरसाइज, हमको लगा रफू करके दिया क्या, ओवरसाइज है, बड़ा हो गया नहीं, ये यहाँ तक रहेगा, ये इधर खुला हुआ है। अच्छा ठीक, व्हाइट कलर धागा का वर्क, महीन वर्क, हाथ से क्या हुआ कि मशीन से क्या हुआ, डोंट नो, बड़ा प्रीटी है ये तो, क्या अच्छा नहीं, अच्छा दुपट्टा भी है, दुपट्टा में भी ऐसा ही वर्क किया हुआ है साइड में, और सर आ रहा है। अब फोटो में यहाँ पे दे दूंगी ये कि ऐसा ही है, धागा बीच में ऐसे ग्लिटर वाला किया हुआ है काम, और इस बीच में धागा पूरा पे यही है, बुट्टी बुट्टी बुट्टी। और ये रहा सरारा, सरारा 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 एक स्कर्ट है, नहीं स्कर्ट है, हम तो भूल भी गए। ये देखो ये बाउंड्री, और ये ऐसा ही वही वाला डिजाइन पूरे में फैला हुआ है, और नीचे में बॉर्डर दिया हुआ है, दुपट्टे वाले का ही लगता है अथी कर दिया, ये स्कर्ट बना दिया। सो कैसा लगा मम्मी? ये अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा उनको, है ना बढ़िया। प्रिंसिपल जो वो लहंगा लिया उससे तो बढ़िया ही है, नहीं उससे बढ़िया है, प्रिंसिपल जाकर के ना लहंगा लिया है अपना, उसका ब्लॉग भी आ जाएगा आप देखिएगा अपने लिए। पर ब्लॉग में मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सा वाला लियो, या फिर बता दूंगी, मैंने तो दिखा दिया कि मैं ये पहनने वाली हूं, ग्रीन कलर का, मेहंदी भी पहन सकते है ना, और भी किसी भी दिन पहन सकते, ये बहुत प्रिटी लगेगा। मतलब मैं रूपा मौसी को दिखाऊंगी, उनको बहुत पसंद आएगा, और वहां से आपको दिखाएंगे। एक ज्वेलरी भी दिखाती हूँ, एक जो मैंने लिया बाल में लगाने के लिए, पीछे जो है खुला हुआ ऐसे क्लच कर थोड़ा सा बाल लगा के पीछे जैसे लगाते हैं, उसका ये है, छोटू सा निकलेगा एकदम, छोटा सा क्यूट सा। कैसा लगा आपको ये? बड़ा प्रीटी है, ऐसे सर में ऐसे लगा सकते हैं। बाय हो गया, अब ये सब मुझे सरियाना पड़ेगा, हॉल वीडियो बनाने का यही माथा खराब है,
अब मुझे सर याद नहीं है, फिर भी मैं कैसे कैसे सर याद हूँ इसको। और उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ब्लॉग्स देखते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें।